हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशंस की क्या जॉब प्रोफाइल है, यहां आपको क्या ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है, कितने आवर्स की ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है एंड इस जॉब में आपका रोल क्या होता है। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। एयरपोर्ट ऑपरेशंस के 3 विंग्स हैं, एयर साइड मैनेजमेंट, AOCC एंड टर्मिनल मैनेजमेंट। तो आइए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। एयर साइड मैनेजमेंट, एयर साइड मैनेजमेंट रिलेटेड है रनवे, टैक्सीवे, पार्किंग स्टैंड एंड एयरक्राफ्ट हैंगर से। एयर साइड मैनेजमेंट में आप एज एप्रन कंट्रोलर काम करते हो एंड ये एक फील्ड जॉब है। यहां आपको इंश्योर करना है रनवे इंस्पेक्शन टाइमली हो। अगर किसी एयरलाइन को फॉलो मी सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो वो उसे मिलनी चाहिए। आपको इंश्योर करना है कि जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, जो भी गाइडलाइंस हैं एप्रन की, वो सारी फॉलो होनी चाहिए। और अगर कोई SOPs फॉलो नहीं करता है तो आप उसे फाइन कर सकते हो। आपको इंश्योर करना है रनवे की सारी लाइट्स प्रॉपरली काम कर रही हो, रनवे कंडीशन को टाइम टू टाइम चेक करवाना है, देन जो व्हीकल्स या इक्विपमेंट्स रहते हैं एप्रन एरिया में वो प्रॉपरली यूज हो रहे हैं या नहीं, ये आपको इंश्योर करना है। सारे गाइडलाइंस फॉलो होने चाहिए। आपको इंश्योर करना है कि जो भी पर्सन अगर रैंप पर है, अगर एप्रन एरिया या एयर साइड एरिया में है तो वो रैंप जैकेट जरूर पहना हुआ हो। अगर कोई रैंप जैकेट नहीं पहना हुआ है तो आप उसे फाइन कर सकते हो। आपको इंश्योर करना है कि एप्रन एरिया में रनवे या टैक्सीवे में कोई एनिमल, डॉग या कैट वगैरह एंटर न करे, और जो लैंडिंग एंड टेक ऑफ पाथ है वहां बर्ड्स नहीं होने चाहिए। बर्ड्स अगर उधर उड़ रहे हैं तो उसके लिए आपको एक पार्टिकुलर टीम दी जाती है इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए। और साथ ही साथ जो रनवे के आसपास के जो ग्रास वगैरह रहते हैं उसकी एक डिफाइंड हाइट होती है, उससे ज्यादा अगर इंक्रीज होती है तो फिर आपको ये इंश्योर करना है कि टाइम टू टाइम ग्रास की कटिंग भी हो। इसके अलावा जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो होनी चाहिए। आपका मेन काम है यहाँ सेफ्टी इंश्योर करना। इसके लिए आपको एक जीप भी दी जाती है जिसे आपको ड्राइव करना होता है एंड सारे लोकेशंस में जा जाके चेक करना होता है कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, सारे SOPs फॉलो हो रहे हैं या नहीं। एंड इसलिए जब आप एयरपोर्ट ऑपरेशंस जूनियर एग्जीक्यूटिव के फॉर्म को अप्लाई करते हो तो वहां पे लिखा रहता है, मेंशन रहता है कि ड्राइविंग लाइसेंस इज कंपल्सरी, इसलिए ये रिक्वायरमेंट रहती है। अब बात करते हैं AOCC के बारे में। AOCC का फुल फॉर्म होता है एयरपोर्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर। जब आप AOCC में काम करते हो तो आप एज AOCC मैनेजर यहां जॉब करते हो। बहुत सारी एजेंसीज हैं जो एयरपोर्ट में काम करती है, जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC, देन CISF, कस्टम्स, फायर, एयरलाइन, टर्मिनल मैनेजर, कार्गो, फ्यूएल एजेंसी, ग्राउंड हैंडलर। इसके अलावा और भी बहुत सारी एजेंसीज एयरपोर्ट पे काम करती है एंड आपका मेन काम रहता है इन सारे डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन ताकि स्मूथ एंड एफिशिएंट ऑपरेशन हो। AOCC में जो दूसरा मेजर वर्क होता है वो होता है रिसोर्स एलोकेशन। कोई एयरक्राफ्ट अगर लैंडिंग के लिए आ रही है तो उसे किस पार्किंग स्टैंड पे भेजना है, कौन सा एरो ब्रिज एलोकेट करना है, देन बोर्डिंग गेट एलोकेट करना, चेकिंग काउंटर एलोकेट करना, सेल्फ चेक मशीन एलोकेट करना, बैगेज बेल्ट एलोकेट करना, ये सारे काम यहां होते हैं। अब बात करते हैं टर्मिनल मैनेजमेंट की। एयरपोर्ट के एंट्री गेट से लेके एयरक्राफ्ट की बोर्डिंग तक और एयरक्राफ्ट से उतरने के बाद एग्जिट गेट तक जितनी भी इक्विपमेंट्स आप देखते हो उन सारी चीजों का मैनेजमेंट टर्मिनल मैनेजमेंट के अंदर आता है। यहां आपकी पोजीशन एज टर्मिनल मैनेजर होती है। टर्मिनल बिल्डिंग एंड सिटी साइड में जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, वो सारे प्रॉपरली वर्किंग होने चाहिए, ये इंश्योर करना आपका काम है। जैसे सेल्फ चेक मशीन या बैगेज बेल्ट ये सारे प्रॉपरली काम कर रहे हो, ये आपको इंश्योर करना होता है। एयरपोर्ट में मेंटेनेंस वगैरह का अगर कुछ काम है उसके लिए जो लोग आते हैं उनको टेम्पररी एयरपोर्ट परमिट इशू करना, ये आपका काम होता है। यहाँ जो एक मेजर वर्क होता है वो होता है टेंडरिंग का, टर्मिनल बिल्डिंग के मेंटेनेंस के लिए, हेल्प डेस्क के लिए या मेडिकल फैसिलिटी रूम के लिए टेंडर इशू करने होते हैं, ये भी आपका काम होता है। अगर एयरपोर्ट पर कोई इमरजेंसी हो जाए जैसे फायर या बॉम्ब थ्रेट, तो यहाँ जो इवैक्यूएशन होता है, इवैक्यूएशन का सारा प्रोसीजर आपको फॉलो करना है और इंश्योर करना है कि प्रॉपरली इवैक्यूएशन हो। अगर एयरलाइन की कोई कंप्लेंट आती है या पैसेंजर की कोई कंप्लेंट आती है, कुछ सामान वगैरह खो गया है या कुछ भी, तो ये सारे जो इश्यूज हैं ये आपको रिजॉल्व करना होता है। और इसके लिए आपको एयरलाइन, CISF, हेल्थ डिपार्टमेंट से रेगुलर कोऑर्डिनेशन करना होता है।
अगर एयरपोर्ट पे कोई वीआईपी वीवीआईपी आने वाले हैं तो इसके लिए सारा कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होना चाहिए, सारे जो इंतजाम वगैरह होते हैं ये प्रॉपर होना चाहिए, ये सारे कोऑर्डिनेशन आपको करने होते हैं। एयरपोर्ट ऑपरेशंस की जॉब एक बहुत ही डायनेमिक जॉब है, ये आप समझ सकते हो ये एक डेस्क जॉब एज वेल एज फील्ड जॉब दोनों की कॉम्बिनेशन है और ये अपने आप में एक काफी चैलेंजिंग जॉब है। तो जब आप यहाँ ज्वाइन करोगे तो आप इस जॉब को बहुत इंजॉय करोगे। यहाँ ड्यूटी टाइमिंग्स की बात करें तो नॉर्मली अगर मैं पटना एयरपोर्ट या कोलकाता एयरपोर्ट की बात करूं तो यहाँ एयरपोर्ट ऑपरेशंस में जो शिफ्ट ड्यूरेशन होती है वो नॉर्मली 12 आवर्स की होती है और अगर आप जनरल ड्यूटी में हो तो आपको नॉर्मली 8.5 आवर्स की ड्यूटी रहती है। तो ये थी एयरपोर्ट ऑपरेशंस की कंप्लीट जॉब प्रोफाइल। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।